क्या आप कायदाजम और पारसी कम्युनिटी की सबसे खूबसूरत लड़की रति पैटट की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं कायद की अजदवाजी ज़िंदगी कामयाब क्यों ना हो सकी और वो वाक़ कैसे है कि जब कायद अजम की अठारह साल बीवी रति पैटट ने भरी अदालत में कहा कि जिना ने मुझे नहीं बल्कि मैंने उसे किडनेप करते हुए शादी की है तो दोस्तों आज की वीडियो में बानिय पाकिस्तान कायद कायदाजम मोहम्मद अली जिना और रति बाई की रोमानवी कहानी शेयर की जाएगी आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स मैं हूँ सादिया फफ़र आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे यहाँ बानिय पाकिस्तान कादे आजम मोहम्मद अली जना की अज्दवाजी जिंदगी को बहुत कम ही डिस्कस किया जाता है कादेजम ने दो शादियाँ की उनकी पहली शादी पंद्रह सोलह साल की उम्र में अपनी कजन एमी बाई से उनकी वालदा की ख्वाहिश पर कर दी गई कादेजम शादी के बाद पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले आए जिसके चंद महीने बाद एमी बाई बीमार हुई और चल बसी कादेम ने साल साल अपनी तालीम और फिर करियर पर लगा दिए और उन्हें दूसरी शादी का ख्याल तक ना आया उन्नीस सौ जब कादम की उम्र इकतालीस तो उन्होंने दूसरी शादी की कायद की दूसरी शादी की रोमानवी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है कादेजम की बम्बई के सबसे बड़े कारोबारी सेठ सर डिनशा पेटिट से दोस्ती थी और वो उनके अदालती अमूर देखा करते थे पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाले सर डिनशा पेटिट की अकलौती बेटी रतन बाई कादाजम की वजाहत और उनकी गुफ्तार से इस कदर मुतासर हुई कि वो उनकी मोहब्बत की असीर होती चली गई ये उन्नीस सौ सोलह के अवाइल का जिक्र है कि जब सोलह साल रती ने काद अजम को अपने दिल का हाल सुनाया काद अजम ने इस शर्त पर शादी के लिए रजामंदी जाहिर की कि उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा रतन बाई ने चंद एक इस्लामी कुतब का मुताल किया और इस्लाम कबूल करने पर आमादा हो गई और उन्होंने अपना नाम मरियम रख लिया मिस्टर जिना से शादी रति के लिए किसी इम्तिहान से कम ना थी याद रहे कि कादेम अपने दोस्त सर डिनशा पैटट से उनकी बेटी का हाथ मांग चुके थे जिस पर वो गुस्से में आ गए थे और कहने लगे कि मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ अपने वालिद के मना करने के बावजूद भी रति कादेजम से मिलती रही रति पैटट की सतरवी सालगिरह बम्बई के ताज होटल में बड़े धूमधाम से मनाई गई जिसमें रति ने कादेजम को खुफिया तौर पर इनवाइट कर रखा था कायद ताज होटल पहुंचे तो रती ने उन्हें वेलकम किया वो उन्हें हॉल में ले आईं और अपने वालिद वालिदा के साथ स्टेज पर बिठा दिया वहां मौजूद अंग्रेज गुलूकार सो डीप इज द नाइट की ऑक्स्ट्रा धुने बजा रहा था ऐसे में रती पैटर्ट ने कायद का हाथ पकड़ा और हाजरी ने महफिल को मुखातिब करते हुए बोली जय और मैं शादी करने जा रही हैं इसके एक साल बाद 19 अप्रैल 1918 सौ जुमा काद अजम और रती बाई रिश्ता एजवाज में मुंसलिक हो गए ये निकाह मौलाना हसन नजवी ने शिया असना अशरी अकाद के मुताबिक पढ़ाया था शादी के मौके पर काद अजम ने अपनी दुल्हन को सवा लाख रुपए बतौर तोहफा दिया जब दुल्हा की तरफ से दुल्हन को अंगूठी पहनाने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि वो अपनी बेपना मसरूफियत में अंगूठी खरीदना ही भूल गए हैं ऐसे में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने अपनी हीरे की अंगूठी काद अजम को दी जिसे उन्होंने अपनी दुल्हन को पहनाया शादी के वक्त रति की उम्र 18, जबकि कायद अज़म इकतालीस बरस के थे सरडिनशा पैटट ने अदालत से रुझू किया कि मिस्टर जिना ने बेहला फुसलाकर उनकी मासूम बेटी को अगवा किया है और मेरी बेटी की दौलत के हसूल के लिए उससे शादी भी कर ली अदालत में जब जज ने कायद अजम से पूछा कि क्या उन्होंने रति पैटट को उनके घर से अगवा किया है इससे पहले है कि वो कुछ बोलते रति अपने शोहर के दिफा में खड़ी हो गई और वो पुरजोश होकर बोली जिना ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है यहां मैं आपको बताती चलूँ की कादेम अपने सुसर से उम्र में सिर्फ तीन बरस छोटे थे कादेजम और रति पैट की शादी के पूरे हिंदुस्तान में डंके बज रहे थे नौ ब्याहता जोड़ा हिल स्टेशन पर एक महीने के लिए हनीमून पर चला गया वो चंद दिन तक नैनीताल में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के महल में रहे मिस्टर एंड मिसेस जिना ने हिंदुस्तान के अलावा यूरोप और अमेरिका का टूर भी किया रति कादेजम के लिए बहुत लकी साबित हुई और 1926 में कायदे आजम का शुमार जुनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा रति जना को कश्मीर देखने का बहुत शौक था शादी के इब्तदाई सालों में तो कायदे आजम उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सके ताहम उन्नीस सौ छब्बीस के मौसम गर्मा में वो अपनी बेगम को लेकर कश्मीर गए जोड़ा बंबई से दिल्ली और फिर लाहौर से होता हुआ रावलपिंडी फ्लैश मैं होटल पहुंचा जहां से बजरिया कार ये कपल श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और मरी के हमालन होटल में दिन का खाना खाकर बारामूला पहुंचे रात वहीं क्याम के बाद अगली सुबह ये कपल श्रीनगर के लिए रवाना हुआ तो बेगम साहिबा ने कहा कि आज चौदहवीं की रात है इसलिए रात का सफर करेंगे चूंकि रति पैट ने रोमानवी तबीयत पाई थी इसलिए कादम उनके आगे बेबस हो जाते कादेजम जब पार्लिमानी इजलासों में शिरकत के लिए बम्बई से दिल्ली आते तो बेगम साहिबा भी उनके हमराह होती रती हर शाम ड्राइवर को लेकर कादेजम के चैम्बर जाती जहाँ से वो इकट्ठे घर वापस आते रात के खानों पर उनकी सियासतदानों से मुलाकातें होती बल्कि काद अजम अक्सर मोती लाल नेहरू की बेटियों से कहा करते कि तुम्हारे वाले बहुत कंजूस हैं खाने का ऑर्डर दे देते हैं और बिल बेरी बेगम को अदा करना पड़ता है रति को अंग्रेज़ों से शदीद नफरत थी एक बार किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अगर कादाजम को नाइट शिप दी जाए सर का खिताब मिले और आपको लेडी जना का टाइटल मिले तो कैसा होगा रति पैटट को अंग्रेज़ों से इतनी नफरत थी कि वो गुस्से में आ गई और बोली अगर मेरे शोहर ने नाइट शिप कबूल कर ली तो मैं उनको छोड़ दूंगी शादी के इब्तदाई बरस बड़े खुशगवार गुजरे कायद आजम अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से रति को टाइम ना दे पाए जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती चली गई कायद के नाम अपने आखिरी खत में रति ने लिखा था माई डार्लिंग कोशिश करें कि मुझे एक ऐसे फूल के तौर पर याद रखें जिसे आपने चुना ना कि किसी ऐसे फूल के तौर पर जिसे आपने मसल डाला रति अपनी जिंदगी के आखिरी चार महीने अपने भाई के पास रहीं कायद आजम हर शाम उनकी तीमारदारी करने आते थे रती से काज की आखिरी मुलाकात सत्ताईस जनवरी को हुई जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे बेगम साहिबा ने कहा कि मेरी तरफ से ख्वाजा निजामुद्दीन के दरबार पर फूल चढ़ाना ना भूलिएगा रतनबाई ने 20 फरवरी उन्नीस में अपनी उनतीसवीं सालगिरह के मौके पर अपनी आखिरी सांसें ली कादम जब उनकी कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे तो फूट फूट कर रो रहे थे उन्हें बम्बई में वाकई आराम बाग कब्रिस्तान में सपुरद खाक किया गया अपनी प्यारी बीवी की वफात पर काद अजम इस कदर दिल बर्दाश्त हुए कि वो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले गए और यहाँ उन्नीस सौ चौंतीस तक मुकीम रहे रत्ती पैटट की वफात के हवाले से कई तरह की स्पेकुलेशन सामने आती रही किताबों में तहरीर है कि वो कैंसर जैसे जान लेवा मर्स में मुबतला थी और ऐसे दावे भी सामने आते रहे हैं कि वो ज्यादा मकदार में ख्वाब आवर गोलियां लेते हुए मौत की आगोश में चली गई थी बताया जाता है कि कादे अजम को लोगों ने सिर्फ दो मौकों पर अशकबार देखा था पहली बार वो तब रोए थे महबूब बीवी रतन की वफ़ाद पर जरिए बंबई से कराची आना था हिंदुस्तान छोड़ने से पहले वो आखिरी मरतबा रती की कबर पर फाति खानी के लिए आए और वो कबर के सरहाने बैठ कर फूट फूट कर रोने लगे यहाँ तक की कादेजम के कब्रिस्तान जाने की वजह से परवास आधा घंटा लेट हो गई मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप कायदे आजम और अलामा मोहम्मद इकबाल के औलादों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें इमरान खान का फैमिली बैकग्राउंड जानने के लिए यहाँ नीचे और भुट्टो शरीफ खानदान की मुकम्मल हिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें एक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें हमारी वीडियोज़ को देखते रहें अल्लाह हाफि